दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आज ईडी का सम्मन था अरविंद केजरीवाल को, वो नहीं गए। लेटर लिखा, लेटर में लिखा कि 30 तारीख को मनोज तिवारी ने बोल दिया था कि ईडी का सम्मन आएगा। मैं तो 30 तारीख को भी बोला और मैं जिस दिन लिखकर कांड हुआ तब भी बोला। आपके साथ जितनी बात हुई होगी न्यूज 18 से हर बार बोला, मगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे उम्मीद है कि ये मास्टरमाइंड है और ये गिरफ्तार होंगे। मैंने डेट नहीं बताया, लेकिन आतिशी जो इनकी मंत्री है वो डेट बताती है पीसी करके कि 2 नवंबर को ईडी इनको गिरफ्तार करेगी। राघव चड्ढा जी पीसी करके कहते हैं कि 2 नवंबर को ये गिरफ्तार होंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमें घोटाले को देख करके पता है कि अरविंद से अलग मनीष सिसोदिया नहीं जा सकते, अरविंद केजरीवाल से अलग सत्येंद्र जैन नहीं जा सकते। वो जो जेलों में सड़ रहे हैं, जो उनको बेल नहीं मिल रही है, वो असली मास्टर माइंड अरविंद है। जिस दिन इनसे सवालों का जवाब मांगा जाएगा ये फंस जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 30 नवंबर को मनोज तिवारी ने बयान दिया, फिर 30 नवंबर की शाम को बीजेपी के नेताओं ने ईडी के सम्मन को लीक कराया। वो तो स्टार प्रचारक हैं और चुनाव में उनको जाना है, इस वजह से नहीं जा रहे। देखिए, अरविंद केजरीवाल के मन मस्तिष्क पे मनोज तिवारी का डर ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। अरे भैया, हम एक इंसान हैं, हम सत्य इंसान हैं, हम जो चीज देख रहे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन हम 30 को ही नहीं, हम 30 के 6 महीना पहले तक लगभग हर चौथे दिन हमने यही बात बोली है कि अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। हम कहते हैं हो सकते हैं, इनकी मंत्री बोलते होंगे, राघव चड्ढा बोलते होंगे। अरे उनसे पूछो यार, उनको कैसे पता है। बहाने मत बनाओ, मैं भी स्टार प्रचारक हूँ अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। मैं अभी 14-14 रैली करके आ गया हूँ, कल से फिर जा रहा हूँ, अभी 15 नवंबर तक प्रचार है। अरे अरविंद केजरीवाल बाबू, ऐसा कौन मजबूरी है कि आपको 2 ही नवंबर को प्रचार करना था, इसलिए कि यहाँ हमने सुना था चोर की दाढ़ी में तिनका है, यहाँ तो दिमाग में चोर है, बोली में चोर है, करनी में चोर है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आप भाग लो कितना भाग। आज अरविंद केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया है कि वही इस लीकर कांड के घोटाले के मास्टरमाइंड है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 338 करोड़ की ट्रेल को एस्टेब्लिश माना है, उसका असली अपराधी अरविंद केजरीवाल ही हमें दिख रहे हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने गिरफ्तारी हो सकती है ये शब्द इस्तेमाल किए थे, पर इनके मंत्री तारीख बताकर बता रहे हैं कि कब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।